अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपसे CS301 डाटा स्ट्रक्चर की जो मोआस की एमसीक्यूज वाली फाइल है वो शेयर करूंगा और आपसे कुछ आपको फाइनल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह देनी है। अक्सर का जो स्टूडेंट हैं वो कहते हैं हम किस तरह तैयारी करें, हमारी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है। ज़्यादातर जॉब होल्डर होते हैं हमारे बहन भाई, तो वो तैयारी भी नहीं कर सकते। एंड द एंड जिस दिन पेपर होता है उस दिन ही वो कोई एक दो बार नज़र मार लेते हैं, तो वो भी बड़ी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। तो उनको मैं कहता हूँ आप घंटा दो तीन में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे और बिल्कुल ये रट्टा मारने लगेंगे तो याद नहीं होगा। जिस तरह कहते हैं कि समझ के पढ़ने वाली बात होती है, समझ के पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाता है, रट्टा मारते हैं तो लेट होता है। वो किस तरह तैयारी करेंगे ये भी सारा बता देता हूँ। और ये सारी मैंने तकरीबन पास पेपर शरह अपलोड कर दी हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब चैनल पे क्लिक करेंगे तो फाइल का अनलॉक हो जाएगा लिंक। ये सारे मैंने लिंक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, इन सब की मैंने जो आपको लिंक देता रहूँगा। और ये था कि मैं यहाँ पे भी सारे अपलोड हुए हैं, मैं यहाँ से लिंक जनरेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। चले अब मैं आपको बताता हूँ आपका क्विज किस तरह आ सकता है। एक ये जो समय स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है ना, ये चले पहले इसको ले लेते हैं। तो ये किस तरह एम सी क्यूज आ सकता है, इसमें क्या ट्रू या फॉल्स बताना है आपने। अब क्या है, सॉल्यूशन इज सेट टू एफिशिएंट इफ इट सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट हार्डवेयर एंड टाइम। अभी क्या है यहाँ पे हार्डवेयर एंड टाइम का भी फिलिंग दी ब्लैंक्स, दो फिलिंग दी ब्लैंक्स आ सकती हैं, टाइम का आ सकता है, हार्डवेयर की फिलिंग दी ब्लैंक्स आ सकती है, नीचे ऑप्शन दी हूँ। हाँ अब आपने रट्टा मारा है, क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना। आप कहेंगे यार वो तो अब समझ ही नहीं लगेगी, तो सोच रहे होंगे अक्सर औकात यही एम सी क्यूज होते हैं, ऐसे ही बन के आए होते हैं और आप लोगों को समझ ही लगती है। अब आप समझ के पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कितने एम सी क्यूज है, ज़्यादातर हज़ार भी नहीं एम सी क्यूज होने, कितने एक आप तकरीबन आधा 40 सेकंड भी लगाएं तकरीबन तो आपके ज़्यादा 30 सेकंड में 20-30 सेकंड में समझ के पढ़ें तो पता चल जाता है ठीक है, नहीं तो एक मिनट लग जाता है। आपके घंटे दो में तीन में सारी तैयारी हो सकती है एम सी क्यूज की। एम सी क्यूज 16, 17, 20 तकरीबन इतने आने हैं सब्जेक्टिव की, मैं तैयारी करा दूँगा। लेकिन आपने सबको पढ़ना ज़रूर है, अगर आप मिस करेंगे इसको भी और वकार की फाइल की भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, वकार की फाइल भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उन सबको भी पढ़ना है लाजमी। आपने तकरीबन चार से पाँच घंटे लाजमी, और कोई काम नहीं करना। ये ना जी मोबाइल उठा के जी के नाम अच्छा व्हाट्सएप पे मुझे ये मैसेज आया पड़ा है यार, उसको मैसेज करना है यार, रिप्लाई लेट हो रहा है यार, नहीं रिप्लाई नहीं देंगे तो मर जाएंगे, वो इस तरह की बातें सोचेंगे ना तो फिर आपकी तैयारी नहीं होगी। 5 घंटे सबसे लग हो जाएं, जितने भी आए आपके यार बिली जो भी ठीक है, बाकी उस नंबर है फिर आप इसको दिल लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट आर लिफो। अब ये लिफो लिफो स्टैंड फॉर भी आ सकता है, क्या है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये चीज़ें देखिए, अब आपने लोगों ने समझ के पढ़ा हुआ कोई, अब इसको मैं आपको पता चल गया अच्छा लिफो का ये होता है, एब्रीवेशन ये है। अक्सर कहा था एब्रीवेशन से पूछ लेते हैं एम सी क्यूज में भी सब्जेक्टिव में भी, आपका 2, 3, 5 नंबर जिस तरह का भी क्वेश्चन है उसमें आज की ऐसी एब्रीवेशन बतानी हो फिर आप सोचेंगे यार लिफो के हमने लिफो पढ़ बस हमने एब्रीवेशन नहीं पढ़ी, और उधर फिर क्या होगा एब्रीवेशन लिखनी होगी आपके पास जवाब भी नहीं होगा। तो इसका क्या है जी स्टैक, स्टैक क्या कहते हैं, नाउन एज लिफो डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक को क्या कहते हैं, स्टैक को स्टैक कहा जाता है, इज नाउन एज ठीक है जी लिफो डाटा स्ट्रक्चर। अब ये भी पूछ देता है विच वन इज विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग नाउन एज, ये आ गया या स्टैक इज नाउन एज आ गया लिफो, आपने बताना होगा लिफो। आगे डाटा स्ट्रक्चर की भी फिलिंग दी ब्लैंक आ सकती है, इस तरह कई आपके एम सी क्यूज बन सकते हैं इसमें से। अब ये देख लें इसमें से मैं 5-6 MCQs बता दिए आपको। वट विल द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी स्टैरिक सी माइनस डी। अब क्या है जी ए प्लस बी ये तो ज्वाइन हो गया, स्टैरिक का रहा है सी तो ये भी ज्वाइन हो जाएगा और स्टैरिक बाद में आ जाएगा सी के, और प्लस जो है ये है ये इधर आ जाएगा स्टैरिक के बाद, और जो माइनस है वो इसके बाद आ जाएगा, ये इसका पोस्टफिक इनफिनिक्स एक्सप्रेशन है ठीक है जी। क्या होगा ए बी सी जो है ये ज्वाइन हो जाएगा, क्यों ए बी को वैसे ही ज्वाइन कर रहा है और सी स्टैरिक का है, तो ये ए बी सी यूँ हो गया, स्टैरिक यहाँ पर बाहर आ गया, आगे ये जो प्लस था ये आ गया सी के बाद, और ये जो माइनस है ट्रांसफर हो जाएगा डी के बाहर, डी से आगे ठीक है जी। विच ऑफ फॉर जी फॉर कंपाइलर पोस्टफिक एक्सप्रेशन इजियर एवलेट इनफिनिक्स एक्सप्रेशन जी, जो कंपाइलर है वो इजियर है पोस्टफिक एक्सप्रेशन का इनफिनिक्स से एवलेट करने की उसकी वैल्यू गण कर जी, बिल्कुल ये ट्रू है। अब ये आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स यहाँ पे भी आ सकती है,
कौन सा है जी हमें विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको बताना होगा कौन सा एक्सप्रेशन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इजियर टू एवोलेट देन इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन। अब जो लोग सुन रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, और जो जी क्या नाम है अपने 5 मिनट 10 मिनट बचाने में तुले हुए हैं वो जी क्या नाम है बस डाउनलोड करें, और जैसे कोई क्वेश्चन आ गया उनका तो वो फिर बैठे होंगे उधर, एक नंबर दो नंबर काट जाएंगे और कोई नहीं मसला। 10 मिनट आप नहीं दे सकते तो फिर कुछ भी नहीं, ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं, आप लोगों को समझा दूंगा किस टाइम से क्यूज है, तो उस टाइम तक तो समझें। अच्छा अब ये क्या है, ये प्रोग्राम लिखा है फिजियो कोड, इसमें हमने बताना है क्या ऑप्शन है, ये स्टैक, अच्छा डिक्लेयर द स्टैक करैक्टर वाइल देयर आर मोर करैक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। रीड करैक्टर पॉप पे यूज और रेड करैक्टर स्क्रीन क्या होगा जी, बल्कि इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, ये कंसीडर द फिजियो कोड, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मतलब मैं आपको बता देता सम किस तरह जी, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा एप्पल सिल्प ये क्या है, स्क्रीन इनपुट क्या है, सिल्प उल्ट हो जाता है, ठीक है जी उल्ट हो जाएगा। वाई टेस्ट ए इंट एन, जब हम टेस्ट करेंगे ए चले हमने वेरिएबल इंट, हमने एंट ले लिया, एन क्या जी जीरो से मतलब एन नंबर जहाँ तक भी वैल्यू होना है, फिर आगे देख लेंगे एन की वैल्यू, एन क्या है बड़ा जीरो से और छोटा है टू से, एन माइनस टू होगा सॉरी, फिर चलो प्रिंट फोर करेंगे तो फिर क्या होगा, फोर पहले प्रिंट होगा क्यों, फोर माइनस टू फिर टू हो जाएगा, फोर तो ऑलरेडी हमने वैल्यू दे दिया टेस्ट है इंट एन की वैल्यू क्या दे दिया फोर दे दिया हमने, ये जो ऊपर इंट एन है ना इसकी वैल्यू दे दिया फोर, और फिर आगे टेस्ट है को हमने किया है एन माइनस टू तो क्या होगा टू माइनस फोर माइनस टू क्या होगा टू, एन की वैल्यू पहले फोर थी और टू, ऐसे ये इसका आंसर बनेगा। अच्छा एक्सटर्नल नोड बाइनरी ट्री में क्या करता है, नो एन माइनस वन करता है, और नीचे देखें क्या कर रहा है जी, इंटरनल नोड एक्सटर्नल में क्या करता है माइनस वन और इंटरनल में क्या करता है जी प्लस वन, अब ये पढ़ा होता तो फ़ायदा होता है ना, हो गया ना फ़ायदा, अगर जिस चीज़ को आप समझ ला जी जो इसको पढ़ लेगा, याद रखें एक्सटर्नल नोड में एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरी बात, जिससे मैंने फाइनल दिया था 5 नंबर का आया हुआ था, टेबल दिया था एक्सटर्नल और इंटरनल नोड निकालने थे, उसके एन माइनस वन प्लस वन ही लिखने थे, सिर्फ 5 नंबर बन गए, लागनी गए मुझे सिर्फ प्लस माइनस, आपको पता नहीं होगा तो 5 नंबर तो गए, अगर उल्ट लिखा है एन माइनस वन एन प्लस वन फिर क्या होगा 5 नंबर गए, मैं आया हुआ था, मैं आप लोगों से झूठ थोड़ी बोल दूंगा, क्या है जी एक्सटर्नल नोड क्या होता है माइनस वन और इंटरनल नोड क्या है प्लस वन, एक वो है 100 1000 सेट्स ईच कंटेनिंग अ सिंगल डिफरेंट पर्सन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रू होगा, इसमें से रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों सिंगल डिफरेंशियल तो रिफ्लेक्शन पे ये क्या होगा इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका क्या होगा रिफ्लेक्सिव। विद नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलेशन, इसकी क्या है जी एसोसिएटिव, ये तीनों है प्रॉपर्टीज, आपसे पूछी ना है लिखें जी नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलेंस रिलेशन, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 प्रॉपर्टीज है आपने सिर्फ नेम लिखने होंगे, रिफ्लेक्सिव सीमेंटिक ट्रांजिटिव, क्या मुश्किल तो है नहीं ईजी है, अब आपने क्या किया जी आपने पढ़ाई खोजी तो आपको क्या होगा मार्क्स 0 इसमें, 3 नंबर का क्वेश्चन गया रिफ्लेक्सिव ट्रांसिस्मेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है जी। बाइनरी ट्री ऑफ नोड्स एन नोड्स हैज क्या होगा जी, बाइनरी ट्री कैसे बनता है, लॉग 2n का बनता है ये लेवल्स का, ठीक है इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है जी सारा कुछ आपने इसको सही से याद कर लेना है, मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मगर आप लोगों को वीडियो मिल जाए आप लोग थोड़ा बहुत समझ लें, क्या कोई लोग सुन के ज़्यादा अच्छा याद कर लेते हैं, कुछ को यूँ याद नहीं होता पढ़ के, इसलिए मैंने कहा चलें जी थोड़ा सी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी किस तरह का पेपर पैटर्न होता है। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ तैयारी किस तरह आपने, बल्कि मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आप लोगों ने पास पेपर जो है मुआज के वकार के सही से याद करने हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इधर सारे उधर से ही आते हैं तकरीबन, या उसे मिलते जुलते समझ के पढ़ा होगा फ़ायदा होगा। अच्छा आगे क्या है जी, मैं कुछ आपको एम सी क्यूज और भी बता देता हूँ आगे, बाकी आपको भी पढ़ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ये किस तरह के एम सी क्यूज हैं, किस तरह आपने पढ़ना है, किसे तैयारी करनी है। द ईजीएस्ट केस ऑफ डिलीटिंग अ नोड, अच्छा अब क्या है जी डिलीट करना है आपने नोड को फ्रॉम बी एस टी से इन इज द केस विच ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड, क्या होगा इसका लीफ नोड डिलीट हो जाएगा, शायद हमने ऊपर भी पढ़ा है ये, शायद भी मैंने पहले पढ़ा हूँ मुझे याद नहीं है, हाँ शायद हम बस ये तो मैं कहीं पढ़ रहा हूँ तो मैंने पढ़ा था सेम एम सी रिलेटेड एम सी क्यूज था लीफ नोड के, ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है तकरीबन ये नीचे ही लिखी हुई थी। इफ़ देयर आर एन एलिमेंट इन एन रे,
ठीक है जी। एन एलिमेंट क्या है जी, कोई भी स्पेसिफिक इन्फिन टू इन्फिनिटी एन हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टेप क्या होंगे, फाइंड एलिमेंट ऑफ द बाइंडिंग सर्च। अब क्या है ये आपका फार्मूला, हम अभी ऊपर पढ़े हैं लॉग टू एन क्या है जी बाइंडिंग ट्री का, ये क्या बात यूजिंग बाइंडिंग ट्री सर्च, तो ये क्या होगा लॉग टू एन, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। देख लें रेलिवेंट क्विज आ रहे हैं ना, इस तरह आप लोगों ने सारों को पढ़ लेना है और ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी सब्जेक्टिव फाइल इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा।